के मंदिर नहीं होता है। सब मंदिर जाते हैं, घंटा भी बजाते हैं। अब भगवान ने हमसे कौन सा घंटा मांगा और हमने उनको कौन सा घंटा दे दिया? परमात्मा ने कहा हमने सबको 24 घंटे दिए हैं। परमात्मा ने सबको कितने घंटे दिए हैं? 24 घंटे। किसी को कम मिले हैं? सबको 24 घंटे। भगवान ने कहा इन 24 घंटे में से 23 घंटे आप सब कुछ करो, अपना काम करो, धंधा करो, परिवार को संभालो, बच्चों को संभालो, लेकिन एक घंटा मुझे दे दो। 23 घंटे आप सब कुछ करो और एक घंटा मन का मुझे दे दो। मन से तुम मुझे एक घंटा याद करो तो तुम्हें सच्चे मन की शांति मिलेगी। तो भगवान ने मांगा मन का घंटा और हमने दे दिया मन भर का घंटा। कितना दे दिया? मन भर का घंटा। और जब भी जाते हैं मंदिर में उनके सिर के ऊपर लगा होता है, तन्न से बजाते हैं। आपके बगल में कोई घंटा लटका दे और बार बार बजाए, आपके सिर के ऊपर कोई घंटा लटका दे और हर बार कोई आए बजाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो भगवान को कैसा लगता होगा सोचिए। तो भगवान ने हमसे ये पीतल का लोहे का घंटा नहीं मांगा, भगवान ने हमसे मांगा समय। समय हमको दो जिससे तुम्हें सच्चे मन की शांति मिलेगी। अगर एक घंटा नहीं तो भी कहा जाए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मिथुनी आधी, आधा घंटा दो, 15 मिनट दो। उसके बदले में लोग सोचते हैं एक मन का घंटा नहीं चढ़ा सकते तो आधे मन का ही चढ़ा दो, आधे मन का नहीं चढ़ा सकते उससे छोटा चढ़ा दो, तो छोटी छोटी घंटियां मंदिर में चढ़ा देते हैं। वास्तव में ये समय की बात है जिसमें हमको 24 घंटे दिए हैं, उसके लिए हम एक घंटा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते एक घंटा। किसी को बोलो अच्छी बातें सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है। जिसने हमको दिया है टाइम, उसी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और अगर 48 घंटा भी हमें मिल जाए तो भी हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए समय हमें खुद निकालना है और खुद ही हमें निकाल करके भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालना है, क्योंकि यही समय हमारे साथ जाएगा और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी हम इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं, ये कर्म तो करना ही हमें, लेकिन कर्म करते हुए हम परमात्मा को कितना याद किया ये वहां पर रजिस्टर में नोट होगा। और जब हम जाएंगे तो यही पूछा जाएगा और यही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें एक घंटा आधा घंटा भगवान के लिए समय निकालना है, न कि हमें पीतल का घंटा उनके ऊपर चढ़ाना है।